क्वेश्चन लिखेंगे। क्लास टीचर इंटर्स इन क्लासरूम, क्लास टीचर इंटर इन क्लासरूम एट 6:30 AM एंड he complete thirty rounds along whiteboard of length 10 meters. And leave the classroom at 8 AM. Find average speed and average velocity. Find average speed and average velocity of class teacher. Remember now? ऐसा है कि यहां से इंटर करें और ऐसा 30 राउंड कंप्लीट किए 6:30 AM तो निकले 8 AM को, तो जो टाइम लगा 90 मिनट्स, बराबर। जहां से इंटर करे उसी जगह से निकला राउंड कंप्लीट होने के बाद, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0। लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो 30 राउंड कंप्लीट हुआ तो 30 इंटू एक राउंड में 20 मीटर, राउंड मतलब जाके आना, ठीक है। मैं गया, राउंड लग गया, ऐसा थोड़ी होता है। राउंड का मतलब होता है जाके आना, ठीक है। तो 20 मीटर तो कितना हो गया, 600 मीटर। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 600/90 मीटर/मिनट, बराबर। अगला सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे। हर्ष, हर्ष कोई है यहाँ पर, ठीक है। हर्ष गोइंग फ्रॉम गोंदिया टू अयोध्या, गोइंग फ्रॉम गोंदिया टू अयोध्या बाय बस इन 20 hours, cover road distance 800 kilometers, and
रिटर्न्स बैक बाय फ्लाइट इन 2 hours एंड कवर एरियल डिस्टेंस 300 किलोमीटर. फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. जाके आने में डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0. डिस्टेंस 1100 किलोमीटर और टाइम 22 hours, तो एवरेज स्पीड 1100/22 किलोमीटर पर आवर. आपको ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गए. अगला सवाल, कार मूविंग विथ स्पीड V1 फॉर टाइम इंटरवल T, फॉर टाइम इंटरवल T एंड विथ स्पीड V2 for the next equal time interval T, for the next equal time interval T, find average speed. Find average speed. आ गया. जा रहा है स्पीड V1 से T टाइम तक, फिर जा रहा है स्पीड V2 से नेक्स्ट T टाइम तक. तो इस प्रोसेस में इसने डिस्टेंस कवर किया होगा D1 V1 इंटू T. इस प्रोसेस में डिस्टेंस कवर किया होगा V2 इंटू T. तो अगर एवरेज स्पीड बोला गया है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस हो गया D1 प्लस D2 बाय टोटल टाइम हो गया T प्लस T. तो D1 हो गया V1 T प्लस V2 T बाय 2T. T कॉमन लेके कैंसिल, ये हो गया V1 प्लस V2 बाय 2. ये हुआ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. ये हुआ अरिथमेटिक मीन. मतलब तीन ऐसे इंटरवल होते हैं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 3 चार होते हैं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बाय 4 अरिथमेटिक मीन. ये तब लगेंगे जब समय सेम हो, टाइम का इंटरवल सेम हो, तो सीधा सीधा अरिथमेटिक मीन लगता है एवरेज स्पीड में. नेक्स्ट सवाल, कार मूविंग विथ स्पीड V1 फॉर डिस्टेंस D. कार मूविंग विथ स्पीड V1 फॉर डिस्टेंस D एंड विथ स्पीड V2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस D. For the next equal distance D with the speed V2, for the next equal distance D, find average speed. कह रहे V1 से जा रहा है D दूर तक, फिर V2 से जा रहा है D distance तक. इस प्रोसेस में जो समय लगेगा वो लगेगा D बाय V1, इस प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा D बाय V2. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा टोटल डिस्टेंस D प्लस D बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2. तो ऊपर में हो गया 2D, नीचे में हो गया
डी बाय वी वन प्लस डी बाय वी टू, डी कॉमन लेके कैंसिल, टू बाय यहाँ पर वी वन प्लस वी टू बाय वी वन वी टू। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टू वी वन वी टू बाय वी वन प्लस वी टू। इसे कहते हैं हार्मोनिक मीन। जब डिस्टेंस सेम हो तो हार्मोनिक मीन, जब टाइम सेम हो तो अरिथमेटिक मीन। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी ऑप्शंस में दिया जा सकता है, टू बाय एवरेज स्पीड इक्वल टू वन बाय वी वन प्लस वन बाय वी टू। तो अभी ध्यान रखिए ये फॉर्मेट में जो मैंने लिखा, तो इसको आगे भी ऐसा कर सकता है कि अगर तीन इक्वल डिस्टेंस तक गया होगा तीन अलग अलग वेलोसिटी से, जैसे कि वी वन से ज्यादा डी डिस्टेंस, फिर वी टू से अगला डी डिस्टेंस, फिर वी थ्री से अगला डी डिस्टेंस। तो इस केस में अगर एवरेज बोलता तो हम लिखते थ्री बाय वी एवरेज इक्वल टू वन बाय वी वन प्लस वन बाय वी टू प्लस वन बाय वी थ्री। ऐसे निकालते हम लोग हार्मोनिक मीन, ठीक है। और अगर इसी तरीके से चार सेक्शन में होता तो फोर बाय वी एवरेज इक्वल टू वन बाय वी वन प्लस वन बाय वी टू प्लस वन बाय वी थ्री प्लस वन बाय फोर वी फोर। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठना चाहिए। डिस्टेंस सेम होगा तो ध्यान रखना है हार्मोनिक मीन लगाने हैं, टाइम सेम होंगे तो अरिथमेटिक मीन लगाने। नेक्स्ट अगला सवाल। कार मूविंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। And 70 किलोमीटर पर आवर फॉर अनदर 30 मिनट्स। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो सभी में टाइम सेम है तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री बाय थ्री। सिक्सटी किलोमीटर पर आवर प्लस थर्टी किलोमीटर पर आवर प्लस सेवेंटी किलोमीटर पर आवर बाय फोर्टी है, फोर्टी और सेवेंटी बाय थ्री एंड हाफ आवर, इतना किलोमीटर पर आवर। तो ऊपर में हो जाएगा ये 170 इंटू टू बाय थ्री किलोमीटर पर आवर। थ्री बाय टू मतलब 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स 90 मिनट्स वन टोटल है। अच्छा अगला सवाल। कार मूविंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 50 किलोमीटर For the first 50 kilometer, then in next 50 kilometer, car
मूविंग विद स्पीड 20 किलोमीटर फॉर सम टाइम 20 किलोमीटर पर आवर फॉर सम टाइम एंड 80 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार. देखो पहले 50 किलोमीटर वो जा रहा है स्पीड 60 ना किलोमीटर पर आवर्स. अगले 50 किलोमीटर में पहले जा रहा है वो 20 से टी टाइम तक, फिर जा रहा है वो 80 से टी टाइम तक. तो इस सेक्शन में समय सेम है, तो पहले इस दोनों का जो एवरेज निकलेगा वो हो जाएगा 20 प्लस 80 बाय 2, अरिथमेटिक मीन 50 किलोमीटर पर आवर. अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो जो नेट एवरेज स्पीड निकलेगा वो हार्मोनिक मीन, तो 2 इंटू 60 इंटू उधर का 50 बाय 60 प्लस 50 बराबर 20 किसके जगह 50 की जगह 20 यहां पर ये वाला नहीं हां 20 क्या लगेगा 20 स्पीड लग रहे ना इधर हां 20 आएगा. अच्छा ये बात है, देखो फिर से समझाता हूं सभी लोग. यहाँ से चला यहाँ पहुंच गया तो आपको एवरेज स्पीड टोटल चाहिए. तो जब टोटल एवरेज स्पीड चाहिए तो सिंपल तरीका तो ये है कि आप टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दीजिए. टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर बाय टोटल टाइम. इस प्रोसेस में जो टाइम लगा वो निकाल लीजिए 50 बाय 60. इस प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है वो निकाल लीजिए. इसका मतलब ये 50 किलोमीटर में कुछ डिस्टेंस इस टाइम से कवर किया गया, कुछ इससे कवर किया गया, ऐसे करके टाइम निकाल के बनाए. या फिर इसमें हम अगर जो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन का तो वो लगाते हैं तो आसानी से बन जाएगा. इस वाले प्रोसेस में डिस्टेंस को भी भूल जाए, जो भी डिस्टेंस हो उस डिस्टेंस को बराबर बराबर टाइम में कवर किया गया विद डिफरेंट स्पीड. तो जब टाइम सेम हो तो उसकी एवरेज स्पीड जो होगी वो 50 किलोमीटर हो गई. 20 प्लस 80 100 ही होता ना, 100 बाय 2 50. अब ये सवाल ऐसा हो गया वो ये हो गया कि यहां से वो जा रहा है 60 के स्पीड से कितने दूर तक, 50 किलोमीटर तक. और अगले 50 किलोमीटर तक का जो दूरी है वो एवरेज स्पीड क्या आया 50 किलोमीटर पर आवर का, इससे कवर किया जा रहा है. अब ये सवाल ऐसा हो गया, तो जब ऐसा हो गया तब डिस्टेंस सेम मतलब हार्मोनिक मीन, ठीक है. तब हार्मोनिक मीन में एवरेज स्पीड इक्वल टू हो गया 2v1v2 बाय v1 प्लस v2. तो ये लगा देंगे 2v1 हो गया 50 नहीं 60, v2 हो गया 50 बाय v1 प्लस v2 60 प्लस 50 2 इंटू 60 इंटू 50 बाय 110 600 बाय 11 किलोमीटर पर आवर. ये हुआ आंसर, ठीक है. तो मैंने आपको ये सवाल ही दिया था इसलिए कि ताकि आप दोनों के कॉन्सेप्ट मिक्स करके बना सको.
नेक्स्ट कार मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 किलोमीटर, देन 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 20 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर पर आवर फॉर अनदर 20 किलोमीटर. फाइंड एवरेज स्पीड. Find average speed. निकाल पाएंगे? तीन वाला है तो 3/V average = 1/V1 + 1/V2 + 1/V3. हार्मोनिक मीन लगेगा ना, डिस्टेंस सेम है. फिर 3V1V2V3/V1V2 + V2V3 + V3V1. अगला आईटी था ना आखिरी में, इसको सॉल्व करके जो भी है 80 60 40, इसका एलसीएम कितना होगा? 240 6 + 4 + 3. मेरा मैथ उतना फास्ट नहीं है. नेक्स्ट कार मूविंग विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 20 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 किलोमीटर नेक्स्ट 15 किलोमीटर. फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार. इसमें एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर, पहले 15 ने पहले 10 फिर 15 फिर 20 और फिर 15. मैं पहले में टाइम तो 10/20 फिर 15/40 फिर 20/60 फिर 15/100. इसको सॉल्व करके जो भी है किलोमीटर पर आवर. हो गया. तो ये एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया. अब थोड़ा आगे बढ़ते, अब डिफरेंशिएशन वाले सवाल. मान लीजिए कोई क्वेश्चन है ऐसा, x = 40² - 2t + 3. बोला फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 4 सेकेंड. निकाले तो जरा सा. दूसरे में है वेलोसिटी = t² + 6 मीटर पर सेकेंड. फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड. पहले वाले टर्म में v निकालेंगे तो 4 × 2 = 8t - 2 और a निकालेंगे तो 8.
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वाला आ जाएगा t इक्वल टू 4, तो 32 माइनस 2 30 मीटर पर सेकेंड। इस वाले में इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx बाई dt, तो dx इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 6 dt, इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड, t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 2 प्लस 6 t फ्रॉम 0 टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 क्यूब मतलब 8 बाई 3 प्लस 6 इंटू 2 12 44 बाई 3 मीटर। लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन वैसा है, हमने पढ़े v इक्वल टू dx बाई dt, एक दूसरा पढ़े a इक्वल टू dv बाई dt, और तीसरा पढ़े a इक्वल टू v dv बाई dx। इसी को जब इंटीग्रेट वगैरह करते हैं तो तीन प्रकार के इक्वेशंस आते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और तीसरा आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें u का मतलब लिखते चलिए आप लोग, कुछ नया बात तो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन सिर्फ तभी वैलिड है ओनली व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो वैलिड नहीं है। सेकेंड वाले इक्वेशन से कई बार वी यू दे करके ए निकालना रहता है, कई बार वी यू दे करके एस निकालना रहता है, तो जब एस निकालना होगा तो इसका ये वाला फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, और कई बार a निकालना रहता है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। इसी फॉर्मूले से ये पता चलता है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी उसमें जीरो होने वाला है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाला है तो वी स्क्वायर जो है जीरो होने वाला है, तो ये यू स्क्वायर बाय 2a हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। इस पे सवाल आता है, बोला जाएगा कि पहले 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 मीटर थी, बाद में 20 मीटर पर सेकेंड से जाएगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, पहले 2 मीटर थी तो अब 8 मीटर हो जाएगी। तो ये सवाल बिना बनाए भी आप बना सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस के केस में एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन या फिर इसे डी एक्सेलरेशन कहते हैं, ये दोनों नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिटार्डेशन बोला जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आपको समझ लेना है फॉर्मूला में ए के जगह लगाना है -2, मतलब अगर
बोलेगा रिटार्डेशन 2 meter per second square, इट मीन्स ए का मतलब मुझे लेना है -2 meter per second square. तो इस बात को ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन की वैल्यू पॉजिटिव में दी रहती है, फॉर्मूला में रखते वक्त अपन को माइनस में रखना रहता है. अब एक दो बेसिक सवाल इससे बना देते ताकि आपको भी फील आए कि आपने कुछ पढ़े. इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, v निकालना है, a दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 4 सेकेंड, और s भी निकालना है. दूसरा सवाल, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 करना है, a निकालना है, टाइम दिया है 4 सेकेंड के अंदर, उस प्रोसेस में डिस्टेंस भी निकालें. पहले वाले सवाल में v a और t दिया है, तो u प्लस at, तो u है 20, a है 5, t है 4, तो हो गया 40 मीटर पर सेकेंड. s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut हो गया 20 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू a की जगह 5, t स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, तो हो गया 80 प्लस 40, 120 मीटर. दूसरे वाले सवाल में v को 0 करना है, मतलब स्टॉप करना है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब 40 इंटू 40, अच्छा a मालूम नहीं है, पहले a निकाल लेते हैं, तो 0 इक्वल टू 40, प्लस के जगह माइनस होगा a इंटू t, या प्लस लिखो 4, a की वैल्यू आ गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब s निकालना है, तो 40 इंटू 40 u स्क्वायर बाई 2a, ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस 80 मीटर. क्वेश्चन लिखेंगे, बोलो ट्रक समझते हैं, ट्रक मूविंग विद स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर ड्राइवर सडनली ऑब्जर्व एन ऑब्स्टेकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 meter. He apply brake to avoid accident. Find the minimum retardation of truck if the reaction time of driver is, find the minimum retardation of truck if the reaction time of driver is 0.4 second. ऐसा कह रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने जब देखा, वो उस वक्त जा रहा था 108 किलोमीटर पर आवर. बहुत बार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 36 का हो जाता है 10, 72 का 20 और 108 का 30, मतलब 36 का 10 ये ध्यान रखना है, बहुत बार काम आएगा। इसका मतलब जो डेटा ज्यादातर केस में आता है ये आएगा 18 का 5 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 72 20 मीटर पर सेकंड। यही चार डेटा बहुत बार यूज होते हैं यूनिट कन्वर्जन में, यहाँ जरूरत पड़ेगी आपको, नहीं अगर याद रहे तो ठीक, आप मल्टीप्लाई करके देखिए। ये जा रहा है, इसने देखा यहाँ से 60 मीटर दूर आपके तरह एक बुढ़ा आदमी यहाँ पर है, कितना दूर 60 मीटर, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए इसने ब्रेक लगाया, बट इसका रिएक्शन टाइम जो है वो 0.4 सेकेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसने ब्रेक देखा तब ब्रेक नहीं लगाया, जब इसका दिमाग प्रोसेस किया और ब्रेक अप्लाई हुआ उसके बीच में 0.4 सेकेंड निकल गया, उसी को कहते हैं रिएक्शन टाइम। अपन को कोई सिचुएशन आता है, अपन जब रिएक्ट करते हैं तो उसके बीच का जो गैप है वो है रिएक्शन टाइम। तो इसका मतलब जब तक कि ये रिएक्ट नहीं किया है, ब्रेक नहीं लगाया है, तब तक वो गाड़ी ट्रक इसी स्पीड से जाता रहेगा। तो मान लो कि यहां वो पहुंच गया, तो यहां से लेकर के यहां तक 0.4 सेकंड तक वो इसी स्पीड से चला है। अब यहां उसने ब्रेक लगाया है तो रोकने के लिए, तो पहले तो ये वाला डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा ये आप निकालिए। तो देखिए तो 30 हो गया, नहीं है 30 किलोमीटर पर सेकेंड इनटू कितना टाइम 0.4, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। इसका मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसे रुकने के लिए सिर्फ और सिर्फ 48 मीटर ही डिस्टेंस है, इसी के अंदर रुकना है उसे। तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो गया वो 48 मीटर हो गया, इसी के अंदर इसको रुकना है। तो अब रिटार्डेशन निकालने तो फॉर्मूला लगा देंगे a इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2s रिटार्डेशन। यू स्क्वायर कौन से स्पीड से जा रहा था वो 30 से, 30 इंटू 30 बाय 2 कितना डिस्टेंस उसे रुकना है, तो 48 में रुकना है। बस इसका आंसर आ गया, ये माइनस साइन मतलब आएगा रिटार्डेशन। अब इसके आगे आप कर लोगे, सेवेंटी फाइव बाय 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।